मूवी की शुरुआत पहाड़ों में होती है। एक कपल जिसमें बैकी और उसका हस्बैंड डैन पहाड़ क्लाइंब कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके साथ उनकी एक कॉमन फ्रेंड हंटर को भी दिखाया जाता है। तीनों को खतरों से खेलने का शौक होता है और जिंदगी में एडवेंचर पसंद होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे बैकी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। पहाड़ से गिरकर डैन की मौत हो जाती है। एक साल बीत जाता है और बैकी अभी भी शराब में डूबी हुई है। ना तो उसने डैन की अस्थियां बहाई हैं और ना ही जिंदगी में मूव ऑन कर पाई है। बैकी कई बार डैन को वॉइस मैसेजेस भी भेजती है। एक शाम जब बैकी शराब के नशे में पब से बाहर निकलती है, तब पार्किंग में उसे उसके पिता जेम्स मिलते हैं। जेम्स बैकी की हालत देखकर बहुत दुखी होता है और उसे मूव ऑन करने के लिए कहता है, जिस कारण दोनों में झगड़ा होता है और बैकी वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बैकी बहुत परेशान है और वो कपबोर्ड में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहां नींद की गोलियां मिलती हैं जिसे वो खाने की कोशिश करती है। तभी सही समय पर हंटर का फोन आता है जिसके बाद बैकी रुक जाती है। अगले दिन हंटर बैकी से मिलने घर आती है और बैकी को बताती है कि उसने एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप प्लान कर रखा है और उसे एक 2000 फीट ऊंचे डीकमिशन्ड टीवी टावर की फोटो दिखाती है, लेकिन बैकी उसे मना कर देती है। जिसके बाद हंटर उसे समझाती है कि ये डैन के लिए एक परफेक्ट श्रद्धांजलि होगी और वो उसकी अस्थियां भी वहां से विसर्जित कर सकती है। अगली सुबह बैकी उठ के डैन की अस्थियों को देखती है और हंटर से कहती है कि वो इस ट्रिप पे चलने के लिए तैयार है, जिससे हंटर खुश हो जाती है और बैकी को गले लगा लेती है। रास्ते में बैकी हंटर के फोन में फोटोज देख रही होती है। एक फोटोग्राफ में हंटर के कंधे पे एक हाथ देखकर वो हंटर से पूछती है कि ये कौन है, लेकिन हंटर इसका कोई जवाब नहीं देती। रास्ते पे दोनों एक मोटल में डिनर के लिए रुकती हैं, जहां वो वेटर से उस टीवी टावर के बारे में पूछती हैं, जो उन्हें खिड़की के बाहर उस टावर पे चमक रही लाइट को दिखाती है। टावर वहां से नजदीक ही होता है। बैकी का फोन डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके बाद हंटर उसे एक हैक बताती है फोन चार्ज करने का, क्योंकि वहां प्लग लगाने का कोई पॉइंट नहीं होता। जिसके बाद बैकी को डैन को सपने में फील करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि डैन उसे आई लव यू नहीं बोलता, वो उसके हाथ पे टैप करके आई लव यू बोलता है, वो भी नंबर्स में। तभी बैकी का सपना टूट जाता है और वो डर कर उठ जाती है। फिर अगली सुबह हंटर और बैकी टावर के लिए निकल जाते हैं। हंटर एक यूट्यूबर होती है और उसके 60,000 फॉलोअर्स होते हैं। टीवी टावर रेगिस्तान में हाईवे से हटके थोड़ी दूर सुनसान इलाके में होता है। गेट लॉक होने के कारण उन्हें वहां गाड़ी खड़ी करके आगे पैदल ही चलना पड़ता है। रास्ते में वो देखती हैं कि एक जानवर मरा पड़ा है और कुछ चीलें उसका मांस नोच रही हैं। तभी हंटर उनकी फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। टीवी टावर की ऊंचाई देखकर बैकी डर जाती है और हंटर से कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन हंटर उसे समझाती है और टावर पे चढ़ने के लिए तैयार कर लेती है। दोनों खुद को एक 50 फुट लंबी रस्सी से बांध लेती हैं और उनका ये रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। क्योंकि ये टीवी टावर बहुत पुराना था और डीकमिशन्ड हो चुका था, इसलिए इसका मेंटेनेंस भी नहीं होता है। टावर की हालत बहुत खस्ता होती है और जंग लगने के कारण इसका स्ट्रक्चर भी कमजोर हो चुका होता है। दोनों टावर के काफी ऊपर तक चढ़ जाते हैं, जिसके बाद बैकी हंटर को एक वाटर ब्रेक के लिए रोकती है। दोनों वहीं रुककर पानी पीती हैं और आसपास का नज़ारा देखती हैं। सीढ़ियों की हालत बहुत खराब होती है, उनके नट भी टूटे होते हैं और जगह जगह पे जंग लगा होता है। दोनों अपना सफर जारी रखती हैं और टावर के आधे तक पहुंच जाती हैं। पहले वो टावर की क्लोज स्ट्रक्चर पे चढ़ रही थी, लेकिन अभी उनको ओपन में टावर पे चढ़ना था, जो बहुत ही खतरनाक और डरावना था। जहां हंटर इस सफर को एंजॉय कर रही थी, वहीं बैकी काफ़ी डरी हुई थी। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचती हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, लेकिन वे दोनों हार नहीं मानती और फाइनली टावर के ऊपर पहुंच ही जाती हैं, जहां पहुंच के वो इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करती हैं। और हंटर अपने यूट्यूब चैनल के लिए ड्रोन से फुटेज लेती है और हंटर कुछ बेवकूफ़ी भरे स्टंट्स भी करती है, जो कि वो बैकी को भी सेम करने के लिए कहती है। बैकी वो करती है, जिसे करके उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद हंटर बैकी से कहती है जब भी उसे किसी चीज़ से डर लगे तो वो इन फोटोज़ को देख ले, इससे उसका डर दूर हो जाएगा। जिसके बाद बैकी डैन की अस्थियों को हवा में बिखेर देती है, लेकिन हंटर को इस पे रोता हुआ देख थोड़ी हैरान होती है। अब दोनों टावर से नीचे उतरने की तैयारी शुरू करते हैं। पहले बैकी उतरना शुरू करती है। वो जैसे ही कुछ सीढ़ियाँ उतरती है, उसकी सीढ़ी टूट जाती है, जिससे वो हवा में लटक जाती है।
ये देखकर हंटर डर जाती है और उसे खींचना शुरू करती है, लेकिन किसी तरह बैकी वापस ऊपर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। बैकी के वापस ऊपर पहुंचने पे दोनों चैन की सांस लेती हैं, पर जैसे ही वो नीचे देखती हैं तो सीढ़ी गायब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दोनों इस 2000 फीट ऊंचे टावर पे फंस चुकी थी, ना तो ऊपर फोन का सिग्नल होता है और ना ही इतनी ऊंचाई पे इन्हें कोई देख पाएगा। तभी दोनों की नज़र ऊपर बने एक एमरजेंसी बॉक्स पे पड़ती है, जिसमें से उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। तभी बैकी की नज़र डिश पे गिरे अपने बैग पे पड़ती है, जिसमें पानी और ड्रोन था जो सीढ़ी से लटकते वक्त गिर गया था, और बैकी को गिरने के कारण चोट भी लग गई थी। तभी हंटर को दूर खड़ी एक आरवी दिखती है जिसके आसपास कोई नहीं होता। इसके बाद दोनों फोन का सिग्नल कैच करने की कोशिश करती हैं। तभी हंटर फोन में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक मैसेज लिखती है और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देती है, इस उम्मीद में कि नीचे सिग्नल होगा और मैसेज चला जाएगा। वो खुद भी नीचे लटक के ट्राई करती है, लेकिन मैसेज नहीं जाता। हंटर वापस ऊपर आ जाती है, जिसके बाद वो फोन को शू में डाल के नीचे फेंकने का प्लान करते हैं। बैकी हंटर को अपनी सॉक्स और ब्रा को एक्स्ट्रा कुशनिंग के तौर पे यूज करने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों शू को नीचे फेंक देती हैं। लेकिन तभी बैकी की नज़र हंटर के पैर पे बने टैटू पे पड़ती है, जिसपे 143 लिखा होता है। बैकी कुछ सोच ही रही होती है कि तभी हंटर को नीचे एक आदमी दिखाई देता है। दोनों मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन वो आदमी फ़ोन पे बात कर रहा होता है, इसलिए ध्यान नहीं देता। दोनों ने जो फ़ोन नीचे गिराया होता है वो भी टूट चुका होता है। इसके बाद बैकी अपना जूता नीचे फेंकती है। वो आदमी जूता उठाता है और इधर उधर देखकर जूता वहीं फेंक कर चला जाता है। बैकी जैसे ही फ्लेयर गन यूज करने लगती है, हंटर उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि ये हमारा लास्ट चांस है और हमें अंधेरा होने तक का इंतजार करना चाहिए। तभी हंटर देखती है कि वो आदमी उस सुनसान खड़ी आरवी के पास ही जा रहा है, और उस आरवी में एक और आदमी भी है। जिसके बाद बैकी और हंटर अंधेरा होने का इंतजार करती हैं। जब बैकी अपनी शादी का वीडियो देख रही होती है, तभी वो देखती है कि हंटर उसकी शादी में बड़ी मायूस होकर खड़ी है। ये बात उसे काफ़ी खटकती है। तभी अंधेरा हो जाता है और बैकी फ्लेयर चलाने की कोशिश करती है। पहली बार में तो फ्लेयर नहीं चलती, लेकिन कुछ देर बाद फ्लेयर चल जाती है, जिससे उन दोनों बंदों का ध्यान फ्लेयर पे पड़ता है और दोनों अपने टेलीस्कोप की मदद से बैकी और हंटर को टावर पे फंसे हुए देख लेते हैं। दोनों बंदे मदद के लिए टावर की ओर बढ़ते हैं, जिसे देख बैकी और हंटर बहुत खुश होते हैं। लेकिन हंटर की गाड़ी देख के उनका मूड बदल जाता है और वो हंटर की गाड़ी चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तभी बैकी हंटर से उसके पैर पे बने 143 वाले टैटू के बारे में पूछती है और पूछती है क्या उसने ये डैन की याद में बनवाया है, जिस पर हंटर उससे झूठ नहीं बोल पाती और उसे बताती है कि डैन और उसका अफेयर चल रहा था। बैकी ये सब सुन के बहुत रोती है, पर किसी तरह खुद पे काबू पाती है और डैन द्वारा दी गई अंगूठी भी अपनी उंगली से उतार कर रख लेती है। दोनों भूख और प्यास से बहुत बेहाल हो रही थी। तभी हंटर बोलती है कि वो नीचे जाएगी और बैग लेकर आएगी। हंटर रस्सी के सहारे टावर से लटक के नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन रस्सी छोटी होती है इसलिए वो डिश तक पहुंच नहीं पाती। तभी वो अपना सेफ्टी हुक खोल के डिश पे छलांग लगा देती है और बैग तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि डिश के नीचे की सीढ़ी भी टूट चुकी है और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो पानी पी के दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी छोटी होती है इसलिए उसका हाथ रस्सी तक नहीं पहुंच पाता। जिसके बाद वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी छलांग लगा के बैग से लटक जाती है, जिसके बाद बैकी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है। हंटर ऊपर पहुंचने ही वाली होती है कि तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो फिर हवा में लटक जाती है। बैकी बड़ा डरते हुए नीचे देखती है तो उसे हंटर के हाथों में चोट लगी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो किसी तरह उसे खींच के ऊपर ले आती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हंटर के हाथ रस्सी के कारण छिल गए थे, जिसके बाद बैकी पानी पीती है और एक प्लेन कागज़ पे एमरजेंसी मैसेज लिखती है, जिसको वो ड्रोन के द्वारा नीचे होटल तक पहुंचाने के लिए प्लान करते हैं। जिसके बाद वो ड्रोन उड़ाते हैं, मगर ड्रोन की बैटरी कम होने के कारण उन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। रात को बैकी को सोए हुए एक बहुत ही डरावना सपना आता है। वो सपने में देखती है कि हंटर की लाश को चीले नोच रही हैं, लेकिन तभी वो उठ जाती है और हंटर से बात करने लगती है। तभी बैकी को हंटर का फोन चार्ज करने वाला हैक याद आता है, जिसके बाद बैकी ड्रोन चार्ज करने के लिए टावर पे लगे पोल पे चढ़ती है और बल्ब को उतार के ड्रोन चार्ज करने लगती है। दोस्तों, क्योंकि बैकी घायल होती है इसलिए उसके पैर से खून टपकने लगता है, जिसे देखकर
एक गिद्ध वहां आ जाता है और उस पे हमला कर देता है, जिस कारण बैकी के हाथ से बैग छूटकर दोबारा नीचे गिर जाता है। बैकी किसी तरह ड्रोन चार्ज करके नीचे आ जाती है, जिसके बाद बैकी ड्रोन उड़ाती है। उनका ड्रोन होटल के पास पहुंचने वाला होता है कि वो एक ट्रक से टकराकर टूट जाता है। ये देखकर बैकी बहुत रोती है और नाउम्मीद हो जाती है। लेकिन तभी बैकी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। दरअसल बैग लाने गई हुई हंटर गिरने के कारण मर चुकी होती है, और जो इतनी देर से बैकी के साथ होती है वो सिर्फ उसका भ्रम होता है। हंटर की लाश को गिद्धे नोच रही होती हैं। तभी बैकी को याद आता है कि उसने सिर्फ बैग खींचा था। तो बैकी अपने पिता को याद करती है, और दूसरी तरफ जेम्स भी बैकी को मैसेज छोड़ता है और कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन बैकी का फ़ोन नॉट रीचेबल होता है। अगले दिन सुबह एक चील बैकी की चोट को नोचने लगती है, लेकिन बैकी बड़ी होशियारी से उस चील को पकड़कर मार देती है और उसके मांस को खा लेती है, क्योंकि अगले काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए थी। जिसके बाद बैकी रस्सी की मदद से डिश पे पहुंचती है, जहां वो हंटर से माफ़ी मांगती है और अपने पिता जेम्स को मैसेज लिख के फ़ोन हंटर के जूते में रखती है और उस जूते को उसी के पेट में डाल के बॉडी को नीचे गिरा देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स को बेटी का मैसेज मिल जाता है और वो इमरजेंसी सर्विसेज को भी इन्फॉर्म कर देता है, साथ ही साथ वो खुद भी वह टावर पे पहुंच जाता है। लेकिन वहां बैग में लिपटी एक डेड बॉडी को देख के वो रोने लगता है। तभी पीछे से उसे पापा की आवाज़ आती है। वो देखता है कि बैकी जिंदा है। ये देख के वो बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।